आपका? मैं सुखराम वर्मा, एसआर वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी विभाग से। आज जो आप जीएसटी विभाग की टीम आई है गंडवाना में, तो क्या आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? मेरे द्वारा देखिए, मुख्यालय से एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कुछ फर्मों के जांच के आदेश हैं और उस पर्पज से हम आपके शहर में हैं। और यहाँ पर जिस तरह मैं सबसे यही निवेदन करूँगा व्यापारियों से कि लोग अपना कंफर्टेबल रहें, अपने कंफर्ट में अपना व्यापार स्थल खोलें, किसी को अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। और उस सरकार का बस यहाँ आपके बीच में हम इसलिए हैं कि आपके सहयोग से, और आपके सहयोग से ही हम कुछ यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। आप अपना सहयोग देंगे तो एक सुचारू रूप से काम हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके कल भी आई थी और आज भी आई है, तो यहाँ के जो व्यापारी दुकानदार है उनमें एक भाई का माहौल बन गया है, जो दुकानें बंद कर करके जा रहे हैं अपनी, तो इसके लिए आप लोगों को व्यापारियों को क्या? मेरा व्यापारियों व्यापारी बंधुओं से अपील है कि अनुग्रह भी है, निवेदन भी है कि अपना व्यापार स्थल खोले, अपना सुचारू रूप से काम से करें, इसमें किसी प्रकार कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये निवेदन करूंगा, अपील भी करता हूं कि लोग अपना व्यापार स्थल खोल के अपना व्यापार नियमित करें जैसा वो रेगुलर करते हैं, किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। और किसी के बहकावे में किसी के मकाम ना आए, न किसी से डरने की जरूरत है। अगर किसी प्रकार की उनको समस्या है तो हम उनके शहर में है, तो आप हमसे संपर्क करके भी बात कर सकते हैं। आपके द्वारा कितने व्यापारियों की सर्वे की कार्रवाई की है? हमारे द्वारा 3-4 व्यापारियों का सर्वे किया गया है, 3 से 4 व्यापारियों का अब तक, और सर्वे ने जांच की गई है, बेसिक जांच है वो, इसलिए कि पंजीयन की सीमा में है कि नहीं, वो इंटेलिजेंस बेस है। पिछले कई दिनों से जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं, कासगंज में, सोरो में, अमापुर में, साहबर में, गंजडुंडवारा में, पटियाली में, सिरपुरा में, दरियावगंज में, और भी जगह कई सर्वे किए जा रहे हैं। इन सर्वे से डर का माहौल व्याप्त है, व्यापारी मजबूर है अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करने के लिए, पूरा का पूरा डर का माहौल व्याप्त है, व्यापारियों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न भी हो रहा है। मैं राज्य सरकार से कहूँगा या जिला प्रशासन से कहूँगा कि ये उत्पीड़न बंद किया जाए। यदि जीएसटी के बारे में जागरूकता फैलानी है, यदि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बढ़वाने हैं, तो उसके कई और तरीके हो सकते हैं। राज्य सरकार को जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, कैंप्स लगाने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए, और जो अलग अलग जगह पे व्यापार मंडल हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। कासगंज में व्यापार मंडल ने भी इस चीज़ का विरोध किया है, तो मैं कासगंज जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से भी कहूँगा कि आप तरीका बदलिए, इससे जो है पूरा का पूरा डर का माहौल है, कहीं ना कहीं उत्पीड़न भी हो रहा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए मैं बार बार जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, बार बार राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बढ़वाने के लिए, जीएसटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आप दूसरे तरीके अपनाइए। जो अभी सर्वे का तरीका अपनाया गया है या छापेमारी का तरीका अपनाया गया है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे उत्पीड़न भी हो रहा है और व्यापारियों में डर का माहौल भी है। मैं व्यापारी बंधु से कहूंगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, और मैं जीएसटी के अधिकारियों से कहूंगा कि आप ये छापेमारी बंद कीजिए, आप ये सर्वे करना बंद कीजिए, व्यापार मंडल को विश्वास में लीजिए, तो जो और तरीके हो सकते हैं वो जीएसटी विभाग को अपनाने चाहिए। अभी जो सर्वे का तरीका चल रहा है, इससे उत्पीड़न हो रहा है, डर का माहौल है, और इसे बंद किया जाना चाहिए। राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से मेरा ऐसा आग्रह है।